रविवार को बहराइच के हरदे थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान आगजनी, पथराव और फायरिंग की घटनाओं ने माहौल को उग्र कर दिया। सोमवार को स्थिति और बिगड़ गई, जब एक दर्जन से अधिक मकान आग के हवाले कर दिए गए और लखनऊ सेवा अस्पताल समेत कई वाहन जला दिए गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लखनऊ से डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हेलीकॉप्टर से पहुंचे और उनकी उपस्थिति में हालात काबू में आए। सोमवार दोपहर 3 बजे के बाद से किसी भी प्रकार की हिंसक घटना की खबर नहीं आई और पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए शांति बहाल की। मामले में 2 FIR दर्ज, 51 गिरफ्तार। पुलिस ने इस घटना में दोनों पक्षों से 2 केस दर्ज किए। मृतक रामगोपाल मिश्रा के भाई की तहरीर पर अब्दुल हमीद उर्फ सरफराज, फहीम राजा उर्फ साहिर खान, मारूफ अली और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुस्लिम पक्ष की ओर से जिनके घर चलाए गए उनके द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अब तक 51 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दर्ज की जांच और कार्यवाही जारी है। मंगलवार को एडीजी अमिताभ यश, डीआईजी मरेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी मोनिका रानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पूरे दिन गश्त करते रहे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी की टीम ने उस इलाके की मामले जहां उपद्रव हुआ था और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी गई।